नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में गेहूं के बाद प्याज और लहसुन की खेती करने वाले 2 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार 775 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोत्साहन राशि देगी। अगस्त के पहले सप्ताह में मंदसौर के पिपलिया मंडी में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ सभी किसानों के खातों में एक क्लिक पर राशि जमा करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में उपार्जन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि चना, मसूर और सरसों का पूरा भुगतान किसानों को किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार चुनावी साल में बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रही है। 30,000 से ज्यादा नियमित शिक्षकों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया 15 अगस्त तक शुरू हो जाएगी। संबल योजना के दायरे में आने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के बच्चों ने यदि स्कूल या उच्च शिक्षण संस्थान में फीस जमा कर दी है तो वो वापस लौटाई जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया है। कांग्रेस कार्य समिति में कुल 51 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें 23 सदस्य, 19 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। राहुल गांधी ने CWC की पहली बैठक 22 जुलाई को बुलाई है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति में मध्य प्रदेश से किसी नेता को जगह नहीं मिली है। पूर्व में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। नए कार्य समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थायी आमंत्रित सदस्य और अरुण यादव को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई लाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब आसाराम समर्थकों को भाजपा से जोड़ने का काम किया जाएगा। अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले आसाराम समर्थक भाजपा के लिए काम करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सुहास भगत द्वारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में आसाराम समर्थकों का मुद्दा उठाना संघ की लाइन को आगे बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में पहली बार एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस चलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के तहत प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए ALS एम्बुलेंस दान की है। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल भी शामिल है। एम्बुलेंस का फायदा हमीदिया और सुल्तानिया दोनों अस्पतालों के मरीजों को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।